सारी बाढ़ा ना क्या हाल चाल है सबके। आर एस किचन व्लॉग में आप सबका स्वागत है। भाई टाइम हो रहा है 3 बजे का, भूख सी लग रही थी, सोचा कुछ बना लूं और आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो आज कुछ बालका बना के दिखाऊंगी भे, देखियो पसंद आओ तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। चलो बनाना शुरू करें भे। यह एक कटोरी बेसन ले लिया है, ये 8-7 पत्ते पालक के ले लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली हैं। चलो अब बनाना शुरू करते हैं। ये कटोरी बेसन को मैंने बाउल में डाल दिया है, अब इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अब हरी मिर्चों को काट लेंगे। ये हरी मिर्च काट ली है, अभी बेसन का घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाना है, एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो घोल हमारा पतला हो जाएगा। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया है, अच्छी तरह से फेंट लिया हमने, सभी मसाले मिक्स हो गए हैं बेसन के अंदर। अब बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। इस तरह से पालक के पत्तों को बेसन के अंदर डिप कर करके तेल के अंदर डाल देंगे। देखिए ज़्यादा लंबे डंठल हो तो आप इनको तोड़ सकते हो। इस तरह से डिप कर करके गरम तेल में डालते जाएंगे, गैस की आंच को धीमी रखेंगे। इनको ब्राउन होने तक तल लेंगे। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनते हैं, एक बार ज़रूर बना के देखना। इस तरह से इनको पलटते रहेंगे। देखिए ब्राउन होने लगे हैं, बेसन के घोल की को अच्छी तरह से बनाना है, नहीं तो बेसन कोट नहीं होगा पालक के पत्तों के ऊपर, ज़्यादा पतला घोल बन जाएगा। तो तेज़ गैस रखेंगे तो ये डंठल जल्दी तल के फिर ये काले दिखने लगेंगे और कड़वे लगेंगे, इसलिए गैस की आंच को धीमा रखेंगे। आप किसी भी टाइम बना सकते हो इनको, दिन में भी सुबह नाश्ते में भी, ना प्याज काटने का झंझट नहीं आलू काटने का, बहुत ही कम मेहनत में बन जाते हैं। देखिए ये तल गए हैं, अब इनको निकालेंगे। इसी तरह से हम सभी स्नैक्स को बना लेंगे।
देखिए सभी स्नैक्स हमारे बन गए हैं। अब इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, इस तरह से थोड़े से ही पालक में बन जाते हैं ये। अब इनको मैंने ट्रे में लगा लिया है, चाय के साथ खा सकते हो, सॉस के साथ, हरे धनिए की चटनी के साथ, किसी भी तरह खा सकते हो, बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। राम राम जी सभी को।